देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1.9 है, हम इसको 30 सेकंड में करेंगे। अब तो सुनने में अजीब लग रहा है ना, क्यों करेंगे? देखो इसमें कहा गया है, ए बोट मूव्स रिलेटेड टू वाटर विद ए वेलोसिटी विच इज 2.0 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो। ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू द मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। यानी ये प्रॉब्लम है मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग को लेके। अब देखो इसको 30 सेकंड में करने के लिए मैंने क्यों बोला, ये डायरेक्शन है थीटा एंगल पर चलेगा, ये कौन होगा, वी वी आर। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें क्या दिखाई दे, मिनिमाइज, ये कर वही 30 सेकंड में पाएगा जिसने पिछले वाले वीडियोस को देखा हुआ है। मैंने उसमें क्या समझाया था, देखो बच्चों तुम्हें याद आ जाएगा, साइन थीटा के बाद यहां लिखा था छोटा वाला और अपोन में लिखा था बड़ा वाला, याद आया? जब भी ये मिनिमाइज का क्वेश्चन आए, ये एंगल निकालना है तो छोटा वाला बड़ा वाला, ये छोटा वाला बड़ा वाला क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जो बोट का वेलोसिटी है, देखिए 2 टाइम्स द रिवर फ्लो वेलोसिटी, रिवर का वेलोसिटी अगर यू है तो यहां से देखिए यू छोटा है और वी बड़ा है, तो छोटे की वैल्यू क्या है, यू, बड़े की वैल्यू वी कितना है, 2u, है ना, क्योंकि यहां से साफ पता चल गया ये बड़ा है यू छोटा है, तो छोटा ऊपर लिखना है बड़ा नीचे लिखना है, ये किसकी वैल्यू है, वी की, यू से यू कट जाएगा 1/2 आएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30। अब अगर ये 30 है वर्टिकल से, पूछा है फ्लो से, ये कितना होता है 90, तो टोटल एंगल कितना हुआ 90 + 30 यानी 120। देख लो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, पर ये चीज हमें पता कैसे चलेगी, ये हमने पीछे बहुत डिटेल में डिराइव किया हुआ है। ओके तो अब हमने आज जो कंप्लीट किया है वो कितना पोर्शन है, इरोडोप से रिवर बोट में जो क्वेश्चंस 3 दिए हुए थे वो हमारे डन हो गए। ठीक है, आगे भी अब ऐसे जैसे क्वेश्चन कंटिन्यू करते जाएंगे।